सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की भूख हड़ताल शुरू, जाने क्या है मांग। टीडीपी प्रमुख एवं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य को विशेष दर्जा दिलाने और राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के तहत केंद्र द्वारा किए गए वादों को पूरा करने की मांग को लेकर सोमवार को दिल्ली में एक दिन की भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वह सोमवार को सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक आंध्र भवन में भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि टीडीपी राज्य के बंटवारे के बाद आंध्र प्रदेश से किए गए अन्याय का विरोध करते हुए पिछले साल भाजपा नीत राजक से बाहर हो गई थी। प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि आज हम यहाँ केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करने के लिए आए हैं। कल पीएम मोदी ने धरने से एक दिन पहले आंध्र प्रदेश के गुंटूरा का दौरा किया, इसकी क्या जरूरत है मैं पूछ रहा हूँ। और फिर चंद्रबाबू ने मोदी जी पर हमला करते हुए कहा कि आपने मुझ पर व्यक्तिगत हमले करने में इतना समय लगाया कि आप वादों को भूल गए हैं। पीएम द्वारा मुझ पर किए गए व्यक्तिगत हमले अनुचित है। आप मेरे काम की आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आपको व्यक्तिगत हमले नहीं करना चाहिए। आप अपने वादे पूरे नहीं करते हैं तो हम जानते हैं कि इसे कैसे पूरा किया जाए। चंद्रबाबू नायडू ने फिर कहा कि बीजेपी सरकार आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने में विफल रही है और राज्य को फंड नहीं दिए, वह हर मोर्चे पर विफल रही है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंध्र प्रदेश भवन पर एक दिन की भूख हड़ताल शुरू कर दी है। इस कदर चंद्रबाबू नायडू 12 फरवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे। तो आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज ही अपने मोबाइल से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।